प्रोडक्शन वाला क्रैश कार्ड, और ये होता है अपने पास प्रॉपर फिटिंग वाला, कोई जुगाड़ नहीं, कोई ट्रेस नहीं। देखिए, और जरूरी नहीं इस बाइक का आप किसी भी बाइक का लेते हैं तो आपको जर्मन फिटिंग वाला दिया जाएगा यहाँ पर। और मेन चीज़ ये है कि मैं काफ़ी पता करके आया था स्पेशली क्रैश बार के बारे में, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है क्रैश बार। आपने ट्रस्ट देखा यूट्यूब पर, वही ट्रस्ट लेकर आप यहाँ पर आए। और यहाँ पर वेलकम बैक, मैं हूं आपका अनुराग भाई, और आज आपके सामने लाया हूं मैं सुजुकी वी स्ट्रोम 250। और इसके अंदर मॉडिफिकेशन वो दिखाने वाला हूं आपको, सबसे पहले देखने मिलेगी इसके अंदर क्रैश गार्ड, जो कि मिल जाता है आपको फुल बॉडी क्रैश गार्ड, देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। इसे लगाने से आपके TPFC वाइजर और आपका टैंक्स और आपके खुद के लैग्स ये होते हैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट, क्योंकि ये होता है आपका फुल बॉडी प्रोटेक्शन वाला क्रैश गार्ड। और ये होता है अपने पास प्रॉपर फिटिंग वाला, कोई जुगाड़ नहीं, कोई ट्रेस नहीं। देख सकते हो सिंपल पहली फिटिंग्स की रही, सेकेंड इसकी इधर है, और थर्ड इसकी मिलती है फ्रंट की तरफ। तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, देख सकते हैं आप इतनी प्रीमियम क्वालिटी है ना कि समझ लो गाड़ी आपकी पूरी तरीके से सेफ हो जाती है इसे लगाने के बाद। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर एक और डैशिंग चीज़ जो देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर लगा दें वी स्ट्रोम का ओरिजिनल। ये देखो, ये वी स्ट्रोम का ओरिजिनल GPS GoPro माउंट, जिसमें आप मोबाइल भी होल्ड कर सकते हो, साथ में आप GPS भी माउंट भी लगा दो, GoPro भी लगा सकते हो उसके अंदर, कुछ भी इसके अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो इस माउंट के अंदर। और इसके बाद देखने में मिलेगा इसमें बोबो का ओरिजिनल, ये देखो बोबो का ओरिजिनल आपको मिल जाता है मोबाइल होल्डर, जो कि बोबो आपको दिख रहा होगा। और ये बोबो का नॉन चार्जिंग वाला मॉडल है, आप चाहो तो इसके तो चार्जिंग वाला भी हमसे ले सकते हो, वो भी अपने पास अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी तरीके हो, चाहे वायरलेस हो या खाली वाटर प्रूफ हो या सिर्फ चार्जिंग हो, जैसा मर्जी हो, सारे अपने पास इसके अंदर मॉडल्स अवेलेबल हैं बोबो के। और इसकी मिलती है पूरी 1 साल गारंटी, कभी भी ख़राब होता है तो आप आइए और चेंज करा लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं इसकी, क्योंकि ये आपको ओरिजिनल में साथ में इसमें लगा दिया गया। इसके अंदर देख सकते हैं वी स्ट्रोम का जनरल फिटिंग वाला आपको मिल जाता है इसके अंदर, हैंडल बार राइजर जो कि आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी ना हाइट काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है हैंडल की, और इसको राइज करने के लिए इसके अंदर 2 इंची का लगा दिया गया इसके अंदर हैंडल बार राइजर, जो कि मिल जाता है इसका प्रॉपर फिटिंग वाला। वैसे नॉर्मल जुगाड़ से तो हर कोई लगा देता है, बट हम लगाते हैं जर्मन जिस बाइक का उसी बाइक का, जैसे कि ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पर, वी स्ट्रोम ब्रांडिंग लिखी हुई है यहाँ पर, ये आपको मिलता है ओरिजिनल। और ज़रूरी नहीं इस बाइक का आप किसी भी बाइक का लेते हैं तो आपको जर्मन फिटिंग वाला दिया जाएगा यहाँ पर हैंडल बार राइजर। इधर आपको देखने मिलेगा 4 इंडिकेटर का बटन, जिसे ऑन करते ही 4 इंडिकेटर हो जाते हैं एक्टिवेट। ये होता है पार्किंग मोड, जो कि आपने देखा होगा नॉर्मल बाइक स्कूटीज में आता है, बट इसके अंदर नहीं है, तो भैया ने ये बटन लगवा रखा है। इसमें हैजार्ड की इनको ज़रूरत नहीं है, कभी लगवाएंगे तो देखेंगे, वैसे फिलहाल इसका 4 इंडिकेटर बटन दिया गया है। और ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, और मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा। बढ़िया सर, आप बताइए कैसे सर, आज थोड़ी देर जी बढ़िया, और ये बताइए कैसा लगा आपको। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा लड़के बहुत ही ध्यान से काम कर रहे थे, और मेन चीज़ ये कि मैं काफ़ी पता करके आया था स्पेशली क्रैश बार के बारे में, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है क्रैश बार थोड़ा इस तरीके से लोग फिट कर देते हैं कि जब वो गिरती है तो क्रैश बार क्या करता है, वो बाइक का ही कुछ ना कुछ सामान तोड़ देता है। तो मैंने देखा इन्होंने उसको बिल्कुल ठीक जगह पर फ्रेम पर जहाँ पर होना चाहिए माउंट वहाँ पर किया है, मुझे ऐसा लग रहा काम बहुत अच्छा हुआ है। और एक चीज़ और है जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बिजनेसमैन ना कई बार ऐसे होते सामान पुश करने की कोशिश करते, ये भी ले लो ये भी ले लो, तो भैया की अच्छी बात ये है कि मैंने देखा उन्होंने सामान दिखाया, ये लग सकता है ये लग सकता है, मैंने कहा मुझे बस इन इन चीज़ों की ज़रूरत है फिलहाल, बाकी बाद में लगाऊंगा, तो उन्होंने दोबारा नहीं बोला कभी कि नहीं नहीं ये भी लगा लो ये भी लगा लो, तो वो बहुत अच्छी बात है, सामान पुश नहीं कर रहे, कई करते हैं ऐसे बिजनेसमैन ना है, तो होते हैं ना ऐसे बिजनेसमैन। हम ना प्यार कमाने हैं भैया, अगर हम ज़बरदस्ती किसी को चीज़ चेपेंगे तो चेपना कहते हैं उसको, और चेपने से आज आप तो अपने ज़बरदस्ती लगवा लिया, पसंद नहीं फिर भी करा लिया, लेकिन आगे के लिए आप पता क्या होगा, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पर ज़बरदस्ती चेपा जाता है, तो वो काम अपने से होता नहीं। हमने ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट देखा यूट्यूब पर, वही ट्रस्ट लेकर आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर वही सेम ट्रस्ट नहीं मिला तो फ़ायदा क्या हमारा, क्योंकि मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरी थिंकिंग ये है कि जैसा मैं यहाँ पर हूँ वैसा वीडियो में दिखाऊँ, और वही जब कस्टमर आए तो वही सेम यहाँ पर देखने को मिला हमारे प्रति, बिल्कुल जैसा कि है जैसा मैं यूट्यूब पर देख कर आया था बिल्कुल वैसी एक्सपीरियंस हुआ है। आज थोड़ा जल्दी मैं काम करा रहा हूँ, अभी मैंने भैया को बताया कम से कम 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं लगवाऊंगा, मैं फिर से आऊँगा। आज एक वाइज़र अभी मेरे को और लगवाना है, थोड़ा टाइम की कमी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा इनके पास एक जो वाइज़र है, थोड़ा टॉल है, उसकी शेप भी अच्छी है, और 1-2 चीज़ें और लगाऊंगा लेकिन अगले हफ्ते शायद। तो अगर कोई आना चाहे हमारा व्यूवर्स तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, तो उम्मीद है कि आपका भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो थैंक यू सर।
आने के लिए, विजिट करने के लिए। और आपको भी अगर आना है किसी को तो आपको कहाँ आना है, आपको आना है आपके अपने राजभाई की शॉप। तो देखो ये तो थी बाइक की मॉडिफिकेशन रिव्यू, भैया का ले लिया हमने, कैसा है कैसे, और आपको भी एक्सपीरियंस ऐसा करना है तो जस्ट सिर्फ आस्किंग, पूछने के लिए भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करा जाएगा, करवाया जबरदस्त, आप जब तक खुश नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं हो करवाने के, तब तक वो काम नहीं होगा। ये हमारी श्योरिटी रहती है, जैसे कि सर ने बता दिया है और आपको मैं बता रहा हूँ। तो विजिट करें फटाफट राजू भाई की शॉप पर, जो मिलती है दिल्ली करोबार नए वालन के अंदर, बैक साइड मिलता है 36 नंबर गली, और फ्रंट में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको आर एस समाज रोड। तो ये चीज़ देखो, जब भी आप आते हैं ना, एक चीज़ और जरूर ध्यान दें, झंडे वाले मेट्रो स्टेशन के अपोजिट मिलती है हनुमान जी की बड़ी वाली मूर्ति, जो कि आपको दोनों मिलेगी, और दूसरी मूर्ति मिलेगी आपको मेरी शॉप के बोर्ड पर। वहाँ पहुँच गए तो आपको पता है कि सीधा राजू भाई की शॉप है, और कहीं आपको मिलने वाला है नहीं। और 100 मीटर के डिस्टेंस है सर मेरी शॉप से हनुमान जी की मूर्ति। तो करना क्या आपको, जल्दी से ना राजू भाई के पास, एड्रेस डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, लोकेशन भी डली हुई है, बाकी किसी को मंगानी हो तो जैसे सर को हमने लोकेशन प्रोवाइड करा दी, ऐसे सबको लोकेशन प्रोवाइड करा देते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, लोकेशन लिखिए, आपको लोकेशन वहाँ से दे दी जाएगी। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश रहा हो, जो कि मेरा पर्सनल है 7822271714, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल करो, हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई आएगा इसके अंदर। बाकी जो दो शॉप के नंबर और हैं वो भी डले हुए हैं, आप चाहो तो उन पर भी कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर, जो नेक्स्ट वीडियो, जय श्री राम, जय श्री राम, गुड बाई।